हवलदार विवेक सिंह तोमर, 5वीं बटालियन दी राजपुताना राइफल्स, मरणोपरांत। जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे ऑपरेशन मेघदूत के तहत सेंट्रल ग्लेशियर में 18,300 फीट की ऊंचाई पर अग्रिम चौकी पर तैनात हवलदार विवेक ने एक संतरी पोस्ट पर धुआं निकलता देखा। इस घटना के परिणाम स्वरूप अग्रिम चौकी पर बड़े पैमाने पर आग लग सकती थी, जिसमें सैनिकों को जान का खतरा और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत वे तंबू के अंदर गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे घने धुएं के बीच घुसे और एक बड़ी दुर्घटना को काबू में किया, परंतु इसी बीच धुएं के कारण उनकी श्वास नली में क्षति होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा और खराब मौसम के कारण उन्हें वहां से नहीं निकाला जा सका। उन्होंने बड़ी निर्भीकता पूर्वक 36 घंटे तक इस कठिनाई का सामना करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय हवलदार विवेक सिंह तोमर की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा। राइफलमैन आलोक राव, 18 असम राइफल्स, मरणोपरांत। मई 2023 राइफलमैन आलोक राव को लाइट मशीन गन बंकर में तैनात किया गया। तभी उन्होंने 12 आतंकवादियों को अपने बंकर के समीप आते देखा और उन्होंने अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों को चेतावनी दी, परंतु आतंकवादियों ने उनके दल पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी गोलाबारी के बीच उन्होंने सटीक जवाबी हमला कर 3 आतंकवादियों को घायल किया और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों की जान बचाई। दुर्भाग्य से इस गोलीबारी के बीच वे गंभीर रूप से घायल हुए और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन आलोक राव की माताजी श्रीमती माया देवी एवं पिताजी श्री विजय कुमार। कैप्टन M.V. प्रांजल, 63वीं बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स, मरणोपरांत। नवंबर 22, 2023 को राजौरी जिले के घने जंगल वाले क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। तभी कैप्टन M.V. प्रांजल को जंगल के निकट आबादी वाले क्षेत्र में निगरानी ऑपरेशन दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी को सौंपा गया। जल्द ही उनका आतंकवादियों से सामना हुआ और उसी बीच आतंकवादियों ने उनके दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों पर संकट को भांपते हुए उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए नागरिकों को खतरे से बाहर निकाला और अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों की गोलाबारी का अद्वितीय साहस से जवाब दिया, परंतु इसी बीच वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय कैप्टन M.V. प्रांजल की पत्नी श्रीमती अदिति जी मुदे बिहालकर एवं माताजी श्रीमती अनुराधा K.R.
शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। मेजर दिग्विजय सिंह रावत, 21वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। आपने अपनी बटालियन के साथ मणिपुर में तैनाती के दौरान उच्च व्यावसायिकता का परिचय देते हुए एक सशक्त निगरानी ग्रिड स्थापित किया। 26 मार्च 2023 को आपको मणिपुर में आने वाले एक अति गणमान्य व्यक्ति को उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाने के संभावित प्रयास की सूचना मिली। उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता से आपने उपद्रवियों को सफलतापूर्वक लक्षित क्षेत्र की ओर मोड़ते हुए भारी गोलीबारी के बीच एक उपद्रवी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल कर दिया। इसी प्रकार अद्वितीय साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए एक अन्य अभियान में आपने 3 खतरनाक उपद्रवियों को आमने सामने की लड़ाई में परास्त करते हुए जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की। मेजर दिग्विजय सिंह रावत। मेजर दीपेंद्र विक्रम पैसनेट, 4th बटालियन द सिख रेजिमेंट। आपने 15 जून 2023 को केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 5 आतंकियों द्वारा संदिग्ध घुसपैठ की सूचना के आधार पर तैनात एक एम्बुश दल का नेतृत्व किया। मध्य रात्रि के बाद एम्बुश में फंसे आतंकियों ने ग्रेनेड के साथ हमला करते हुए तीव्र गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों को प्राणघातक खतरे में देख आप निडरता से रेंगते हुए आगे बढ़े और एक आतंकी को अपने सटीक निशाने से एवं दूसरे को आमने सामने की लड़ाई में अपने चाकू से मौत के घाट उतार दिया। अद्भुत मानसिक संयम, विशिष्ट बहादुरी एवं रणकौशल का परिचय देते हुए आपने एक सफल अभियान को अंजाम दिया जिसमें 5 सशस्त्र विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया। मेजर दीपेंद्र विक्रम बैसनेट। हवलदार वर्तमान में नायब सूबेदार पवन कुमार यादव, 21वीं बटालियन द महार रेजिमेंट। जून 2023 कुपवाड़ा के घने जंगलों में कुछ आतंकवादियों की संदिग्ध घुसपैठ की सूचना के आधार पर एम्बुश का निर्णय लिया गया। हवलदार पवन कुमार एवं उनके साथियों ने अद्भुत संकल्प शक्ति के साथ नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की चौकी के बेहद नजदीक निरंतर कड़ी निगरानी बनाए रखी। एम्बुश में फंसते ही आतंकियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी के बीच घने जंगल एवं माइनफील्ड के क्षेत्र में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आप रेंगते हुए आगे बढ़े। अदम्य साहस एवं युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आपने एक आतंकी को अपने सटीक निशाने से एवं दूसरे भागते हुए आतंकी को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार गिराया। हवलदार वर्तमान में नायब सूबेदार पवन कुमार यादव। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र। कांस्टेबल गामित मुकेश कुमार, 61वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दिसंबर 2021 श्रीनगर में चलाए गए एक आतंक विरोधी तलाशी अभियान में भाग लेते समय आप यूं ही अपने साथी के साथ लक्षित मकान में घुसे। वहां छिपे कट्टर आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उत्कृष्ट रणनीतिक सूझबूझ, अदम्य साहस, अनुकरणीय दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए आपने अपने साथी को इस प्राणघातक हमले से बचाया
एवं भागते हुए कट्टर आतंकी को बेहद नजदीक से मार गिराया, जिसके पास हथियार एवं गोला बारूद बरामद किया गया। कांस्टेबल गामित मुकेश कुमार। उप निरीक्षक अमित रैना, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस। तीन जनवरी 2022 को श्रीनगर के शहरी इलाकों में कुछ सशस्त्र आतंकियों के मौजूद होने की सूचना के आधार पर सशस्त्र बलों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। अपने साथियों के साथ मिलकर आपने आतंकियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद करते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आप जो ही लक्षित मकान की ओर बढ़े, वहां छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला करते हुए आप पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी जान की परवाह किए बिना आप आतंकी की ओर बढ़े और आमने सामने की गोलीबारी में एक कट्टर आतंकी को बेहद नजदीक से मार गिराया। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए आपने एक अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। उप निरीक्षक अमित रैना। उप निरीक्षक फरोज अहमद दार, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस। तीन जनवरी 2022 को उप निरीक्षक फरोज अहमद दार को दोपहर 2 बजे विश्वसनीय सूत्रों से श्रीनगर में एक दुर्दांत आतंकवादी की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली, जो कई नागरिकों तथा पुलिस कर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। सूचना के आधार पर आपने अपनी टीम के साथ इलाके का घेराव किया। नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उप निरीक्षक फरोज अहमद दार ने कठिन परिस्थितियों में आतंकवादी को चिन्हित किया। खतरा भांपते ही आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी। आम नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखकर उप निरीक्षक फरोज अहमद डार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भारी गोलीबारी के बीच आमने सामने की मुठभेड़ में एक दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया। विपरीत परिस्थितियों में ऐसी अतुलनीय वीरता, विवेक एवं शौर्य के प्रदर्शन के लिए उप निरीक्षक फरोज अहमद डार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। उप निरीक्षक फरोज अहमद डार। सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह, 205 कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। पच्चीस फरवरी 2022 को सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह औरंगाबाद के नक्सलवाद ग्रस्त इलाके में एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। घने जंगल में पेड़ों और चट्टानों की सुरक्षित आड़ में छुपे नक्सलवादियों ने सर्च टीम पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह का बायां पैर एक आईडी विस्फोट से क्षतिग्रस्त होकर कट गया। असीम पीड़ा को अपनी सहनशीलता, संकल्प और इच्छा शक्ति से पराजित करते हुए सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह ने कवरिंग फायर के साथ मोर्चा संभाला। कटे हुए पैर के साथ भी अपने दल का नेतृत्व कर आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे और कवरिंग फायर देकर ऑपरेशन को सफल बनाया। ऐसे अनुकरणीय साहस, सैन्य नेतृत्व एवं वीरान्वित युद्ध कौशल को परिभाषित करने के लिए सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह।
कांस्टेबल वरुण सिंह, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस। बारह जून 2022 को कांस्टेबल वरुण सिंह श्रीनगर में कुछ अज्ञात आतंकवादियों द्वारा अवैध हथियार और गोला बारूद छिपाए जाने की खबर पर आतंकवादियों के खिलाफ गठित किए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। संभावित इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग के साथ ग्रेनेड से हमला शुरू कर दिया। कांस्टेबल वरुण सिंह अपनी टीम के साथ आतंकवादियों की तरफ बढ़े। आतंकवादियों ने पुलिस टीम को अपनी तरफ बढ़ता देख गोलियां चलाईं। अपने साथी को खतरे में देख कांस्टेबल वरुण सिंह ने उन्हें तेजी से जमीन की ओर खींचा और अपने साथी की जान बचाई। अपने प्राणों के संकट को उपेक्षित करते हुए निस्वार्थ भाव से कांस्टेबल वरुण सिंह ने अपनी सैन्य निपुणता से भीषण मुठभेड़ में एक दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। विपरीत परिस्थितियों में कटिबद्धता, पराक्रम एवं उच्च कोटि के रणकौशल का प्रदर्शन करने के लिए कांस्टेबल वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कांस्टेबल वरुण सिंह।